हमीरपुर शहर के बीचों बीच बीडीओ कार्यालय के बाहर लगे हुए ट्रांसफार्मर में हर दिन धमाके होने से आसपास के लोग सहमे हुए हैं। यही नहीं, रोजाना ट्रांसफार्मर में धमाके के बाद आग लगने से हर वक्त बड़ी दुर्घटना होने का अंदेशा बना हुआ है। लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही बरते जाने और शिकायत के बावजूद कार्रवाई न करने से लोगों में गहरा रोष है। हमीरपुर के रिहायशी इलाके में बीडीओ कार्यालय के बाहर डंक वाली के पास रखे हुए दो ट्रांसफार्मरों में होने वाले धमाकों से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। ऐसे में कोई भी दुर्घटना कभी भी हो सकती है। ट्रांसफार्मर में होने वाले धमाकों से प्रतिदिन लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली के कटों के कारण रोज लोगों के कार्यों में बाधा आ रही है। आए दिन लगने वाले बिजली के कटों से शहरवासी परेशान हो गए हैं। वही स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर में हर दिन धमाके होने के बाद बिजली गुल हो जाती है, जिस कारण लोगों को परेशानी होती है और दिनचर्या के कामों को निपटाने में दिक्कतें पेश आती हैं। धमाकों को देखते हुए लोगों ने बताया कि कई बार बिजली विभाग के कर्मचारियों को सूचित कर ट्रांसफार्मर में आग लगने की सूचना दी जाती है, लेकिन शिकायत कक्ष में लगाए गए फोन तक नहीं उठाया जाता है। ऐसे में जिला भर में कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है और इसकी वजह बिजली विभाग द्वारा बरती जा रही लापरवाही होगी। ट्रांसफार्मर का डेली का ही हाल है, दिन में दो तीन बार यहाँ लाइट मतलब पटाखे होते हैं और पूरी बुरी तरह यहाँ पे लाइट चली जाती है। कंप्लेंट में भी ऑफिस करते हैं, नीचे कंप्लेंट में भी हम फोन करते हैं पर उठाता कोई नहीं है दिन में दो। तो फिर अभी आपने लाइट देख ही लिया कि किस तरह आग लगी हुई थी, बहुत ही बुरा हाल है यहाँ पे लाइट का। तो आज नीचे कंप्लेंट में फ़ोन कर रहा था पर उठा कोई नहीं रहा है नीचे कंप्लेंट में फ़ोन। हो सकता है इस हिसाब से जैसे आपने आज पूरा लाइव इसको अपने कैमरे में कैद किया जाते तो शायद वो तार नहीं जलती, बच जानी थी क्या हो रही थी, कहाँ उसी टाइम फोन करता लाइन में मेन लाइन। तो क्या वहाँ पे आग लगने से कुछ अगर वो आग ज़्यादा लगी जाती तो ट्रांसफार्मर सारा सड़ जाना था। अब वो तार पिछले क्रैक हो गई, मेरा ख्याल बंद हो गई। तो फिर किया हमने फ़ोन किया उसी टाइम,